ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही होगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या हो रहा है भाई, हमने रीड फ्लोट किया, कॉल रीड फ्लोट 5.5 हमने यूजर से इनपुट ले लिया, लाइन ब्रेक किया, फिर एक और रीड फ्लोट किया 3.6, फिर अब हमने कहा भाई कॉल शो एफपीयू स्टैक, तो रीड फ्लोट से पहले 5.5 यहाँ आया था स्टैक जीरो पर, फिर 3.6 आने के बाद 3.6 स्टैक जीरो पर आ गया और 5.5 स्टैक वन पर नीचे मूव हो गया। यहाँ तक की कहानी तो सिंपल है, ठीक है। फिर हमने कहा FSTP क्या करता है भाई, पॉप, ठीक है। पॉप करने के अंदर उसने क्या किया, स्टैक जीरो की जो भी वैल्यू होगी उसको पॉप कर लिया। स्टैक जीरो पे क्या था 3.6, और पॉप करके कहाँ सेव किया, वैल्यू वन में। अब वैल्यू वन में है 3.6 और स्टैक जीरो पर आ गया 5.5, हमने यहाँ पर शो एफपीयू स्टैक कर। अब FLD क्या करता है भाई, पुश, दोबारा से पुश, ठीक है। तो वैल्यू वन में क्या था भाई 3.6, उसको हमने दोबारा से पुश किया और फिर एफपीयू स्टैक किया, तो आप ये देखें ये दोबारा। तो ये मल्टीपल टाइम्स आप करके, जब तक स्टैक की मैनिपुलेशन आप मल्टीपल टाइम्स पुश पॉप और शो एफपीयू स्टैक की तमाम खुद से नहीं करके देखेंगे, आप लोगों को अच्छी तरीके से हैंड्स ऑन नहीं होगा। तो कोशिश करें कि जितने इंस्ट्रक्शन अभी तक हमने पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं, इनको खुद भी आप लोग परफॉर्म करके देखें, ठीक है। और इसके बाद हम जो है एक आप लोगों की 20 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं, फिर दो तीन टॉपिक्स और रह गए उनको हम डिस्कस करके फिर इसको वाइंड अप, दो टॉपिक्स आए हो और रह गए उसको डिस्कस करके फिर हम उसको वाइंड अप करेंगे। तो अभी तक जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं ये तब को सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। FPU स्टैक क्या होता है, उसमें आप EBX रजिस्टर, ये तमाम रजिस्टर्स जनरल पर्पस का इस्तेमाल नहीं करते। जी सर, आपने अभी जो कोड किया था सर, उसमें आपने डेटा में रियल फोर लिखा था, तो सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, हमें पता कैसे चलेगा कि हम रियल फोर लिखे हैं रियल एट लिखे हैं? मतलब आपने डेटा में वैल्यू वन के आगे रियल फोर लिखा है, तो सर हम अगर रियल एट लिख दें या रियल टेन लिख दें तो मसला तो नहीं होगा? देखें आप, ये यही मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ये एक तो निबल्स, अगर आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपकी जो वैल्यू है वो कितनी बड़ी है, वो तो आपका निबल्स वाला कॉन्सेप्ट है, वो आप काउंट कर सकते हैं कि एक निबल के अंदर भाई एक वैल्यू ऑन होती है एक निबल से, ठीक है, यानी एक बिट ऑन होती है, ये तो सबको पता है, यानी कि फोर बिट्स होंगी, वो फोर बिट्स ऑन होंगी तो आपकी एक निबल बनती है, जिससे आपका एक जैसे नंबर है 5483, तो ये इनमें से कोई फाइव जो है वो ऑन करने के लिए चार बिट्स के ऊपर वो डिपेंड कर रहा होगा। वो कॉन्सेप्ट तो हमने पहले प्रीवियस लैब में दो तीन दफ़ा डिस्कस कर लिया, वो तो अब हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको ये सिर्फ अपनी वैल्यू का साइज पता है तो आप उस हिसाब से यहाँ पर रियल फोर हमारे पास क्या है 32 बिट। अब अगर आपको पहले से ही पता है कि मेरी वैल्यू अंडर 32 बिट ही आएगी तो आप रियल फोर का इस्तेमाल कर लें। आपको पता है कि मेरी जो वैल्यू आने वाली है या यूज़र से आने वाली है या मैं खुद इनपुट देने वाला हूँ या मैंने हार्ड कोडेड ली हुई है, या अभी यहाँ तो अननिचलाइज्ड है ना, अगर यहाँ मैंने खुद ही हार्ड कोडेड ली हुई होती वैल्यू, ठीक है, तो मुझे पता है कि भाई ये कितने बिट की वैल्यू है, ये 64 बिट की वैल्यू, तो फिर मैं रियल फोर नहीं लेता, फिर मैं रियल एट ले लेता। मुझे पता होता कि भाई ये 80 बिट से भी ज़्यादा बड़ी वैल्यू है तो फिर मैं, ये 80 बिट जितनी वैल्यू है तो फिर मैं कितनी लेता, ये 70 बिट की वैल्यू है तो फिर मैं रियल 10 ले लेता। तो आप हाँ, ये जब निबल्स की कॉन्सेप्ट हमने एक लैब के अंदर, दो लैब के अंदर बीच में डिस्कस किया, वो आप खोल के देख लीजिएगा कि किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं आपकी वेरिएबल का साइज, आपके आप देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ओके सर, बाकी ये है कि बाकी ये बस आपने दो तीन कॉन्सेप्ट अभी तक जो हमने डिस्कस किए हैं वो याद रखने हैं कि जनरल पर्पज रजिस्टर यूज नहीं होंगे, स्टैक यूज होगा, स्टैक में पुश करवाना है तो FLD यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट लोड का इस्तेमाल करना, ये आपसे वाइवो में भी पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में भी हो सकता है, थ्योरी में भी आपसे टीचर पूछने, तो आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए, ठीक है, इसमें आपकी वो है। और FLD का इस्तेमाल होता है पुश के लिए और पॉप करने के लिए FSTP यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक पॉप, और पूरे स्टैक को आपने शो करना है तो आप क्या करेंगे भाई, कौन से इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे, कौन बताएगा, कोई भी खुद ही से बता दे भाई, हमने अगर अपना पूरा स्टैक को शो कराना है तो हम कौन सा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे,
FPU stack. बिल्कुल सही, सबका आंसर सही है जो उनका चैट में भी आया, ठीक है सही है। तो ये बस आपने याद रखना है, FLD push के लिए, FSTP pop करने के लिए, ठीक है pop करने के लिए, call show FPU stack, stack को show करवाने के लिए, ठीक है। यूजर से इनपुट लेना है आपने, रीड करना है, तो आप क्या करेंगे कॉल रीड फ्लोट, और राइट करवाना है वैल्यू को तो आप करेंगे कॉल राइट फ्लोट। जैसे ये रीड फ्लोट है, यहाँ पर क्या लिखा है, रीड्स अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड एंड पुशेस इट ऑन द फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक, यानी कि यूजर से वैल्यू लेती है और उसको स्टैक के जीरोथ इंडेक्स पे स्टोर। सिमिलर काम राइट फ्लोट, जैसे रीड रीड इंटीजर राइट इंटीजर करती है, वैसे रीड फ्लोट राइट फ्लोट क्या करेगा कि आपकी जो भी वैल्यू स्टैक जीरो पे है उसको आपके कंसोल स्क्रीन के ऊपर राइट करा देगा, सही है। यानी राइट फ्लोट क्या करेगा, राइट फ्लोट राइट्स द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू एट स्टैक जीरो टू कंसोल विंडो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड रीड फ्लोट एक्सेप्ट द वैरायटी मल्टीपल लिस्ट में गिवन है कि इस तरह की वैरायटी ये शो करा सकता है राइट फ्लोट, ठीक है। अगर आप इसके बाद यहाँ पर कर देंगे सपोज कॉल, अभी हम पहले इसको यहाँ देखते हैं कि आखिरी हमारे स्टैक जीरो पर कौन सी वैल्यू है। एरर क्या आ रहा है भाई, ठीक है। तो आखिरी हमारे पास स्टैक जीरो पर क्या है, 5.4। अब आप चाह रहे हैं कि आप ये स्टैक जीरो की वैल्यू निकालें और कहीं जाकर शो करवा दें, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, राइट फ्लोट, आपको लो आपको पॉप कराने की भी ज़रूरत नहीं है, आप क्या कहते हैं कॉल राइट तक तो उसने स्टैक शो किया और ये आखिरी वैल्यू उसने हमें क्या दिखा दी, 4.4। ये कौन सी है जो स्टैक जीरो पे, ये किसकी मदद से दिखाई है इसने, राइट फ्लोट, ठीक है। ये रीड और राइट फ्लोट का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दो तीन टॉपिक्स और रह गए कि आप ये वाले हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं आप FPU स्टैक के अंदर, और एक आदम जो है एग्जाम्पल करेंगे, और रीड राइट स्ट्रिंग किस तरह करते हैं, बस ये हम डिस्कस करके इस लैब को वाइंड अप करेंगे। जब तक आप लोग एक ब्रेक ले लें, ठीक है, 20 मिनट्स का, अभी 2 बज रहे हैं, तो 2:20 तक आप ब्रेक ले लें, और 2:20 के ऊपर आप लोग ये काम करें, 2:25 तक का आप लोग ब्रेक ले लें, 2:25 पे सब लोग रिज्वाइन करें, फिर हम अटेंडेंस लेंगे और इसको फिर वाइंड अप करेंगे, ठीक है।